फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रांस नक्शे पर ही नहीं होता अगर भारत ने सेना नहीं भेजी होती। जर्मनी से हमने फ्रांस को बचाया था क्या हिस्ट्री में? तो नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट फ्रांस और भारत को लेकर आ रही है, और ये न्यूज अपडेट प्रधानमंत्री मोदी की अपकमिंग फ्रांस की यात्रा को लेकर आ रही है जो कि 4 दिनों के बाद शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 13 और 14 जुलाई के दिन फ्रांस में प्रेजेंट रहेंगे, और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स एक बार फिर 107 सालों के बाद फ्रांस की धरती के ऊपर लौट रहे हैं, और जो कारनामा उन्होंने 107 साल पहले किया था वो सेम चीज अब वो फ्रांस की धरती के ऊपर 107 सालों के बाद दोहराने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने फ्रांस को जर्मनी के हाथों हारने और जर्मनी के कब्जे में जाने से बचा लिया था, और साथ में इंडियन मिलिट्री की एक वायरल पिक्चर जो कि फ्रांस की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर काफी वायरल हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि फ्रांस की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर काफी वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की विजिट से पहले, जिसको फ्रांस के अंदर काफी लाइक किया जा रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो लाइक करने से पहले सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब अगर भारत और फ्रांस के बायलेटरल टाइज की बात करें तो दोनों देश इस साल 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आज से ठीक 25 साल पहले भारत और फ्रांस ने अपने टाइज को एक स्टेप ऊपर एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया था, और प्रधानमंत्री मोदी इसी के चलते फ्रांस में बैस्टाइल डे परेड के दिन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस में इनवाइट किए गए हैं। अभी जो फ्रांस के अंदर बैस्टाइल डे परेड होती है, ये भी एक तरह की जिस तरह से भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड होती है ठीक उसी तरह से फ्रांस के अंदर हर साल होती है, जिसमें इस साल चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया है। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन के साथ कई सारी बायलेटरल मीटिंग्स करेंगे, और दोनों लीडर्स कई सारी डिफेंस डील्स के ऊपर भी साइन कर सकते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक डिनर भी होस्ट करेंगे। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान ये सारी चीजें होनी है, हम इस वीडियो में ये डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज की वीडियो का टॉपिक है भारत के ट्रूप्स 107 सालों के बाद फ्रांस की धरती के ऊपर जो वापस लौट रहे हैं उसको लेकर। आज संडे है और ठीक 3 दिन पहले थर्सडे को भारत ने 269 मेंबर्स का एक ट्राई सर्विसेज कॉन्टिंजेंट फ्रांस को भेज दिया है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में लैंड हो चुके हैं। अभी जो भारत ने इंडियन आर्म फोर्सेज के 269 मेंबर्स फ्रांस में भेजे हैं, ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, भारत की तीनों आर्म फोर्सेज में से चुने गए हैं, और ये फ्रांस के अंदर वहाँ पर बैस्टाइल डे परेड के दिन फ्रांस के ट्रूप्स के साथ वहाँ पर कदम ताल करेंगे और परेड में हिस्सा लेंगे, जिसको फ्रांस की पूरी पब्लिक देखेगी। अभी जो मौका होने वाला है ये ठीक 107 सालों के बाद दोबारा से रिपीट हो रहा है। ऐसे में अब इस बैस्टाइल डे परेड और प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस विजिट से पहले फ्रांस के अंदर वहाँ पर एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है। अभी जो पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है ये आज से ठीक 107 साल पहले क्लिक की गई थी, और ये फ्रांस के अंदर वहाँ पर एक परेड के दौरान क्लिक की गई थी, और ये जो दृश्य है ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का है। अभी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर फ्रांस की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वहाँ पर काफी वायरल हो रही है, और इस पिक्चर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के सोल्जर्स जो कि सिख रेजिमेंट से थे वो फ्रांस के अंदर वहाँ पर एक परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से भारत के कई सारे सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए गए थे, और बताया जाता है कि भारत से जो सोल्जर्स फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए गए थे उन्होंने फ्रांस को जर्मनी के हाथों हारने और जर्मनी के कब्जे में जाने से 1916 में रोक दिया था, और जर्मनी के साथ जो युद्ध लड़ा था उसमें भारत के सोल्जर्स काफी ब्रेवरी से लड़े थे। अब जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसमें भारत की तरफ से 13 लाख इंडियन सोल्जर्स हिस्सा लेने के लिए भारत से गए थे, जिनमें से 74,000 के करीब कभी भारत वापस आए नहीं, यानी इस युद्ध में शहीद हो गए थे, और इसके साथ ही 67,000 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वहाँ पर घायल भी हुए थे। अब जो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से भारत के सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने गए थे, इन्होंने फ्रांस की धरती के ऊपर भी वहाँ पर जर्मनी से लोहा लिया था, और भारत के सोल्जर्स काफी बहादुरी, साहस, वीरता के साथ वहाँ पर लड़े थे, और फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के लिए भारत के सोल्जर्स ने सर्वोच्च बलिदान दिए थे, और ना सिर्फ साहस दिखाया बल्कि जीत में भी भारत के सोल्जर्स ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, और ना सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी भारत की तरफ से 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप के कई सारे हिस्सों में वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे,
जिसमें से कई सारे फ्रांस के अंदर भी थे। अभी जो पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है ये एग्जैक्टली फ्रांस की है। दरअसल हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर वन जीतने के बाद जितने भी इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वहां पर लड़ने के लिए गए थे, उन्होंने जीत के बाद वहां पर एक परेड निकाली थी जिसमें भारत की सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स वहां पर हिस्सा ले रहे थे, और ये पिक्चर उसी परेड के दौरान की है। इस पिक्चर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक लेडी अचानक से भीड़ से निकल कर आती है और भारत के सिख सोल्जर की छाती के ऊपर एक फ्लावर यानी कि फूल पिन करने की कोशिश करती है, और ये पिक्चर उसी समय क्लिक की गई थी। कहने का मतलब है कि इतिहास का पहिया एक बार फिर 107 साल पहले जा चुका है और भारत के सोल्जर्स एक बार फिर से फ्रांस के अंदर वहाँ पर बैस्टाइल डे परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। अब फ्रांस को एक स्पेशल जेस्चर शो करते हुए भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने डिसाइड किया है कि जो भारत का 269 मेंबर्स का मिलिट्री कॉन्टिंजेंट फ्रांस जा रहा है उसमें पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर्स को भी भेजा जाएगा। यानी ठीक 4-5 दिनों के बाद 14 जुलाई के दिन जिस दिन फ्रांस के अंदर वहाँ पर बैस्टाइल डे परेड होगी उस दिन पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर्स एक बार फिर फ्रांस की धरती के ऊपर फ्रांस के लोगों के सामने वहाँ पर परेड करेंगे और वहाँ पर मार्च निकालेंगे। अब पंजाब रेजिमेंट को स्पेशल जेस्चर इसलिए दिया गया है क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भारत की पंजाब रेजिमेंट जो उस समय सिख रेजिमेंट हुआ करती थी उसने दोनों बार हिस्सा लिया और काफी बहादुरी से लड़ा था। इसलिए भारत ने डिसाइड किया है कि भारत का जो मिलिट्री कॉन्टिंजेंट फ्रांस में जा रहा है बैस्टाइल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए उसमें पंजाब रेजिमेंट के ट्रूप्स भी शामिल रहेंगे और वो भी हिस्सा लेंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि इस तरह की चीज 107 सालों के बाद दोबारा से रिपीट हो रही है इसलिए इस पिक्चर को फ्रांस में काफी लाइक किया जा रहा है, काफी पसंद किया जा रहा है, और फ्रांस के अंदर ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर काफी वायरल हो रही है और भारत और फ्रांस के रिश्तों के बारे में काफी सारी पॉजिटिव बातें की जा रही है। अच्छा पता है मैं इनको बताया भी था, 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे कि मैंने कहा था कि पंजाब रेजिमेंट जा रही है, तो ये कह रहे थे पंजाब की सिख रेजिमेंट का, पंजाब रेजिमेंट जा रही है। तो और मैं पता है मेरा एंगल उस टाइम सोचने का ये था कि मोदी जी ने ये एक तरह से जो दिमाग खराब हुए हुए जो हैं सिख जो हैं जो खालिस्तान बोल रहे हैं और उसका मांग कर रहे हैं उनको भी एक मतलब कहते हैं ना थप्पड़ टाइप जो है मारा है कि ये देखो दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया और हमेशा रहेगा और मैं इनको लेके जा रहा हूँ। पर अब हिस्ट्री का आज पता चला कि वो नहीं, रीजन एक ये भी है, वो भी हो सकता है और एक एंगल मैं कहूँगी सोचने वाला है कि देखो कितना रिस्पेक्ट दिए कि ये रेजिमेंट जा रही है वहाँ पे खास फ्रांस में। पर ये जो रीजन बोला तो कमाल का था कि वर्ल्ड वॉर वन में जो कंट्रीब्यूशन था तब उसको सिख रेजिमेंट बोलते थे वो, और वो तो फोटो भी बड़ी प्यारी थी यार जहाँ पे मेरे को लगा वो माइक लेके जा रहा है कोई कि इंटरव्यू के लिए माइक परेड में, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार इंटरव्यू कैसे परेड में कैसे कोई उस पर चलते हुए करेगा, तो वो खास जो है इतना खुश हुए थे वो फ्लावर लगाने के लिए कह रहे हैं लेडी जो खास गई थी कि यहाँ पे फ्लावर लगाने के लिए कि आपने हमारे लिए फाइट की है और हमारी हेल्प की उस वॉर को, नहीं तो जर्मनी हमको जीत लेता। व्हाट अ थिंग, और कितना प्राउड मोमेंट होगा यार जब मोदी जी वहाँ होंगे और ऐसे परेड में हमारा जाएगी। हाय मैं तो देखिए फ्रांस में वायरल है, दैट इज अ ग्रेट, वही तो बड़ी बात है। दोस्ती नजर आ रही है कि वर्ल्ड वॉर्स में कैसे इंडिया ने हेल्प किया था। ऑफ कोर्स ब्रिटिश इंडिया और फ्रांस टुगेदर थे, अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं वर्ल्ड वॉर वन या टू है, मगर ब्रिटेन और फ्रांस में ओरिजिनली बहुत वॉर्स हुई थी, वो एक दूसरे के बहुत ज़बरदस्त दुश्मन थे। तो अगर आप हिस्ट्री देखें ब्रिटेन और फ्रांस मैसिव फाइट्स हर जगह, और उसमें इंडिया को कंट्रोल करने के लिए भी दोनों ने ट्राई किया था, दोनों ट्राई किया था, इवेंचुअली ब्रिटेन जीता था। मगर आपको अगर आप और ज़रा डीपर जाएं तो आपको पता लगेगा सब कजन्स ही हैं कि जो ब्रिटेन के जो राजे हैं और जो फ्रांस के राजे हैं सारे रिलेटेड हैं। तो जितने और उसके बाद आगे आप जाएंगे नेदरलैंड जाएंगे, मतलब जितनी भी मोनार्की है वो आपस में ज़बरदस्त रिलेटेड है। बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस टू सी, और पंजाब रेजिमेंट गया है दैट विल बी आइकॉनिक, की पुरानी पिक्चर दिखाएंगे और नई पिक्चर दिखाएंगे कि देखो कितना ब्यूटीफुल है, इट्स अमेजिंग, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट फॉर बोथ द कंट्रीज। तो चलो भाई आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।